डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, राजनीतिक मामलों के खासे जानकार हैं। डॉक्टर लक्ष्मण जी, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा, ये प्यार मोहब्बत अचानक अरविंद केजरीवाल को क्यों अखिलेश यादव की तरफ नजर आने लगी? जी अचानक तो नहीं है सियासत में संजय जी, इसके पीछे भी जो बर्तिश बदल रहे हैं वह भी भूमिका निभा रहे हैं। अगर ये बात अरविंद केजरीवाल से शायद 3 महीने पहले 4 महीने पहले पूछी जाती तो वो गठबंधन को लेकर के या अखिलेश यादव के सत्ता में आने को लेकर के इतने आश्वस्त नहीं देख रहे होते। तो पहली भूमिका तो खुद अखिलेश यादव की है कि वो जो मेहनत करते हुए दिख रहे हैं और जो उनकी सभाओं में भीड़ आ रही है, मसलन आज भी बुंदेलखंड के इलाके में जो भीड़ आई, जो उनकी रैलियों में भीड़ आ रही है, वो एक एक बड़ी भूमिका ये निभा रही है। दूसरी भूमिका मैं इस पूरे परिदृश्य में ये देख रहा हूं कि अखिलेश यादव ने एक रणनीतिक चाल जो चली है कि छोटे छोटे तमाम दलों के साथ गठबंधन किया है और फिलहाल तक वो एक 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 ऐसा मंच बनाने में कामयाब होते दिख रहे हैं जिसमें ऐसा प्रतीत हो कि भाजपा को हराते हुए जो एक दूसरी सबसे बड़ी ताकत है वो अखिलेश यादव के नेतृत्व में गोलबंद हो रही है। ये दूसरा एक एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आम आदमी पार्टी हो या और कोई भी दल हो, वह भी तो अपनी सियासी रणनीति बनाते हुए देखता है कि मैं किसके साथ गठबंधन करूं। मसलन जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुकी थी, ये भी संभव था कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठबंधन करती या वो अलग से और दलों के साथ गठबंधन करती, लेकिन उसने भी ये देखा कि हम ऐसे एक बड़ी एका के साथ जाएंगे जहां हमें ये लगे कि हम सत्ता में भागीदारी भी हासिल कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूं, मेरी प्राथमिक टिप्पणी ये है कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल मतलब, लेकिन मैं एक चिंता भी यहां जाहिर कर रहा हूं कि अक्सरहा मीडिया में बैठ करके हम लोग बसपा को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि बसपा का अपना एक अपना अपनी किस्म की एक राजनीति है जो एक ठोस ढंग से मौजूदा दौर में भी अपना हस्तक्षेप निभाएगी। इसलिए उत्तर प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य अगले कुछ दिनों में बहुत दिलचस्प होने वाला है। लेकिन फिलहाल अगर अरविंद केजरीवाल के बयान की बात करें तो वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भाजपा को कोई मजबूत चुनौती देता हुआ दिख रहा है, तो वो ये गठबंधनों का, सपा के नेतृत्व में गठबंधनों का दौर है, इसलिए शायद अरविंद केजरीवाल इतनी सुनिश्चितता से ये बात कह रहा है। बिल्कुल लक्ष्मण जी, जो सीन बन रहा है, जैसे राजेश जी और शीतल जी ने कहा कि बीएसपी का हमें कमजोर नहीं समझना चाहिए, ये बात तो ठीक है, ये बिंदु भी आपने उठाया, लेकिन अरविंद केजरीवाल क्या पहले दिन से समझ रहे थे कि उनको अखिलेश यादव के साथ जाना है, या अचानक जो अखिलेश यादव की ताकत पिछले 1 महीने में बढ़ती हुई नजर आ रही है उसने अरविंद केजरीवाल को अखिलेश के पास जाने को मजबूर कर दिया? इसका जवाब मैंने अपने पिछले टिप्पणी में दिया है कि जो परिदृश्य बदल रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति का, वह भी बहुत कुछ निर्धारित कर रहा है। यानी इसे दोनों दोनों एंगल से देखना चाहिए। अखिलेश यादव जहां भी कार्यक्रम करने जा रहे हैं वहां जो भीड़ आ रही है, हालांकि ये बात ठीक है कि भीड़ तो आज की प्रियंका गांधी की रैली में भी कोई कम नहीं थी। इवन भीड़ अगर भाजपा के लोग भी प्रचार करने उतरेंगे तो वो भी ये कहेंगे कि भीड़ उनके यहाँ भी है, कुछ पत्रकार कह रहे हैं कि रैला है और ट्वीट उनके आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक जो भीड़ का चरित्र देखने में मिल रहा है, जो गुस्सा, जितने भी तरह के गुस्सा लोगों के पास है, वो विपक्ष के अगर किसी एक मोर्चे पर इकट्ठा होता दिख रहा है तो वो अखिलेश के नेतृत्व में जो मोर्चा बना हुआ है। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि मायावती जी ने भी अभी पिछले दिनों कांशीराम जी के स्मृति दिवस पर एक बड़ी जुटान लखनऊ में भी की थी। उत्तर प्रदेश की जनता ऐसी है जो किसी को भीड़ के मामले में निराश जल्दी करती नहीं है। लेकिन लेकिन जो राजनीतिक गुणागणित चल रही है, मुझे लगता है अखिलेश उसमें बाकी दलों से 2 कदम आगे है। लक्ष्मण जी एक चीज पूछना चाहूंगा, आपको भी बहुत समझ रहती है, आपके हिसाब से अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें देंगे?
मतलब मेरी समझ तो ये कहती है कि राजेश जी जो बात कह रहे थे या आम तौर पर जो बात कही जा रही है कि तमाम विपक्षी दलों को एक होकर के सत्ता को चुनौती देनी चाहिए, थोड़ा सा मुझे लगता है कि क्या इस तरह भी सोचा जा सकता है क्या कि अगर आम आदमी पार्टी अलग से लड़ती तो वो क्या सपा का वोट काटती या वो बसपा का वोट काटती? शायद मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी अगर अलग से लड़ती तो वो भाजपा के वोट बैंक में कुछ बेहतर सेध लगा पाती, ऐसा मेरा आकलन है। दूसरा ये कि आप हो सकता है अखिलेश यादव भी ये बात समझ रहे हैं जो राजेश जी कह भी रहे थे कि हम एक बड़ी एका दिखाना चाहते हैं जिसमें लगे कि हम संवैधानिक मूल्यों के विरोध में जो सरकार काम कर रही है उसे बेदखल करना चाहते हैं। इसीलिए वो टीएमसी की भी बात चल रही है, शरद पवार की भी बात चल रही है, इवन मैं तो कह रहा हूं फिर तो चंद्रशेखर आजाद को भी समाजवादी पार्टी को साथ लेना चाहिए और हाँ एक मुलाकात बेहतर, हुई थी अभी। हाँ मुलाकात हुई हाँ थी अभी दावर की। बेहतर मंच सजना चाहिए। यही यही परिदृश्य दिख रहा है। और अरविंद केजरीवाल जी और खासकर वैभव जी ने जो अभी बात कही, मैं इससे सहमत नहीं हूं कि काम पर वोट मांगने की राजनीति आम आदमी पार्टी ने शुरू की। आम आदमी पार्टी के कुछ काम बहुत अच्छे हैं निश्चित रूप से, लेकिन काम पर अखिलेश यादव ने 2017 में चुनाव पूरा लड़ा था पूरा और लड़ा उन्होंने अपना नारा भी दिया था कि जो काम था काम काम होता है। बोलता है और तमाम तरह के नारे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को काम पसंद नहीं आए और फिलहाल जो सरकार है उसके पास कोई काम ही नहीं है गिनाने को, इसलिए वो अयोध्या मथुरा काशी ये सब किए जा रहे हैं। काम एक शुरू आखिरी हो बात, गया लक्ष्मण जी, काम शुरू हो गया। मथुरा हाँ में पूरी ब्रांडिंग एग्जैक्टली, शुरू हो गई, 6 दिसंबर को तैयारी पूरी है। बस उनको समझ में आ मैं रहा है कि मथुरा गर्म कर देंगे और चुनाव जीत जाएंगे। वही आ रहा था कि अब देखिए जो बदल रहा है ना उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव हो, अखिलेश यादव ने एक 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 बेहतर चाल चली थी कि तमाम वे जातियां जिनमें सेंध लगाने में बीजेपी पिछली बार कामयाब हो गई थी इवन 2019 के चुनाव में, क्योंकि सच बात यह है ना कि जात एक बहुत बड़ी चीज होती है और खासकर उत्तर प्रदेश में, और यह बात आम आदमी पार्टी भी समझती है, इसलिए ठाकुरवाद का नारा लेकर के संजय सिंह आए थे और उन्हें यह समझ में आ गया था कि जो फेक प्रोपोगेंडा चला था अखिलेश यादव के ऊपर की 86 में 56 एसडीएम यादव थे, 5 साल में योगी आदित्यनाथ उसका प्रमाण नहीं दे पाए, लेकिन संजय सिंह ये प्रमाण देने में कामयाब हुए। और अभी तो सोशल मीडिया पे डेटा भी आ रहा है कि वाराणसी से लेकर के गोरखपुर में जितने ब्यूरोक्रेट हैं वो किन जातियों के लोग हैं। आप उत्तर प्रदेश में हैं, आप बखूबी जानते होंगे कि जातिवाद किस तरह काम करता है। जाति को लेकर के जो अंतिम दिन में वोट पड़ते हैं ना वो बहुत मायने रखते हैं। अगर ये गुलबंदी जो अखिलेश यादव के साथ अरविंद केजरीवाल की दिख रही है, अरविंद केजरीवाल इस रूप में अगर कुछ वोट प्रतिशत बढ़ाने में कामयाब हो पाए तो ये गठबंधन या इस तरह की बातें बेहतर होंगी। बाकी आपके सवाल में जो बात थी कि कितनी सीटें देनी चाहिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी तय कर ले कि वो कितनी सीटें मांगेगी, क्योंकि सीटें तो ठीक ठाक कांग्रेस को दी गई थी और इवन बिहार के चुनाव में भी कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी। अंत में तय इस बात पर हो जाता है कि आप सीट के लिए गठबंधन करने जा रहे हैं या वाकई संविधान बचाने के लिए गठबंधन करने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल।